हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे अष्टमी नवमी पर विशेष बनने वाले ये काले चने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप भोग के लिए बना सकते हैं या फिर आपको अगर काला चना मसाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप मेरी इस रेसिपी से ये काला चना मसाला जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, जो आप सबको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। और इसे हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे और एक बहुत ही खास शानदार तरीके से बनाएंगे। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं स्मृति, आज की लाइव वीडियो को शुरू करते हैं। आज आइए साथ में मिलके हम काला चना मसाला बनाएंगे आज। तो इस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी यूनिक होने वाले हैं, तो मसाले बेसिक से होंगे पर जो रेसिपी है वो बहुत ज्यादा दमदार, मजेदार, स्वादिष्ट बन के तैयार होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिये, मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है और मिक्सी के जार में ना हमने ये ओवरनाइट काले चने को भिगो के रखा था। करीबन मैंने 1.5 कप यानी कि 300 ग्राम काले चने लिए थे और इसको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और इसको मैंने उबाल लिया है। उबालने के लिए मैंने करीबन 2 कप पानी डाला, बहुत ज्यादा पानी डाल के इसको नहीं उबाला है क्योंकि हम इसको सेमी ड्राई बनाएंगे, बहुत ज्यादा गीला नहीं बनाएंगे। अगर आप गीला बनाना चाहें तो बाद में पानी ऐड कर सकते हैं। तो 1 तेज पत्ता और 1 छोटी चम्मच घी और नमक डाल के मैंने इस चने को उबाल लिया है। तो यहाँ मैंने देखिए ग्राइंडर जार लिया है, ग्राइंडर जार में हम 2 से 3 बड़े चम्मच ये काले चने डाल देंगे और इसके साथ ही जिस पानी में हमने इसको उबाला है ना उसका पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि ग्राइंड करने में इसे मदद हो। तो इस तरह से अगर आप काले चने बनाएंगे ना तो इसका बेस जो है वो बिल्कुल भी चने अलग और मसाले अलग नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा यमी चने बनके तैयार होंगे और ग्रेवी जो होगी इसकी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त बनेगी। तो आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं हमें कमेंट करते जाइएगा दोस्तों, कौन से सिटी से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची डाल देंगे हम इसमें, थोड़ी सी मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई नहीं है, ये नॉर्मल कटी हुई, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी 1 मुट्ठी भर जितना हरा धनिया डाल दिया है। और अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले। तो भंडारे वाले काले चने आप सबको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। अब 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जितना। अब हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच। तो सारे मसाले ना हमें चने के साथ ही डाल के ग्राइंड कर लेने हैं दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है दोस्तों। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। तो आप कितना यहाँ पे चना बना रहे हैं, चना मसाला कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, उस हिसाब से आप इसमें अपने हिसाब से मसाले डाल लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे छोले मसाला डाला है और छोले मसाला, चना मसाला आपके पास जो हो आप डाल सकते हैं। मैंने छोले मसाले की रेसिपी ऑलरेडी कुछ दिनों पहले जब छोले बनाए थे तो बनाना बताया था, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी रेसिपी दे दूंगी। तो बस गरम मसाला हम बाद में डालेंगे और ये सभी मसाले डाल के ना हमें इसको एक बार ग्राइंडर जार को डाल के पीस लेना है। तो अभी वर्षा चौधरी जी जुड़ी है हमारे साथ, थैंक यू। अल्ताफ जी जुड़े हैं, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। मनीष जी रायपुर से देख रहे हैं, थैंक यू मनीष जी। रंजना गुप्ता जी गुड कह रही हैं, थैंक यू रंजना जी। तो देखिए ग्राइंडर जार का ढक्कन लगा के ना हमें इसको अब एक बार पीस लेना है। तो मैं आपको एक बार पीस के इसको दिखाती हूँ। तब तक दोस्तों, आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार मैंने दोस्तों इसको पीसा है पर अभी ये गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी और डाल के मैं इसको आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने इसको पीस लिया है और इस तरह से हमें पेस्ट बना के तैयार कर लेना है सभी मसालों का। और जो उबले चने लिए थे हमने, वो उबले चने को इस तरह से हमने यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है और यही हमारी ग्रेवी का बेस होगा। और इससे जो ये चना मसाला बनके तैयार होता है ना, एकदम भंडारे वाला स्वाद आता है दोस्तों। तो आप मेरी ये ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं तो ये ग्रेवी बहुत ज्यादा काम आती है मसालों की और जो हमने चने का पेस्ट बनाया है। अब देखिए यहाँ पे गैस की फ्लेम पे हमने यहाँ पैन गरम कर लिया है जिसमें आप काले चने बनाएंगे। वो पैन को अच्छे से गरम कर लें और फिर इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना घी या तेल। तो मैं आज घी पे बना रही हूँ ये रेसिपी और घी को खूब अच्छे से गरम कर लेंगे। तो लीना जी जुड़ी हैं, हाय कह रही हैं, हेलो लीना जी कैसे आप। हरविंदर जी नाइस कह रहे हैं, थैंक यू हरविंदर जी। हर्ष जी जय माता दी कह रहे हैं, जय माता दी हर्ष जी। प्रेम जी जय माता दी कह रहे हैं, जय माता दी प्रेम जी। तो आप सब अष्टमी नवमी पे क्या बनाते हैं भोग के लिए? हमारे यहाँ तो ये चने पूरिया और हलवा बनाया जाता है, हलवे का भोग लगाया जाता है, कई जगह पे पूरी खीर का भी भोग लगाया जाता है। अगर आप भोग के लिए एकदम सिंपल बनाते हैं तो दोस्तों आप इसको एकदम सूखा भी बना सकते हैं जैसे मैंने मसालों के साथ बनाना है। अगर बनाना चाहते हैं तो एकदम सूखा ड्राई भी बना सकते हैं। और मैंने पहले भी नॉर्मल वीडियो में रेसिपी डाली हुई है। तो देखिए घी गरम हो जाएगा तो इसमें हम 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे, 2 यहाँ पे स्लिट की हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए। अब थोड़ा सा मैंने 2 से 3 चुटकी हींग डाल दिया है। तो कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो कैसी लग रही है, इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो देखिए अब जैसे ये मसाले भुन जाएंगे ना, अब इसमें हमने जो ये पेस्ट तैयार किया है मसालों का और काले चने को पीस के, वो हमें इसमें ऐड करना है। साथ ही दोस्तों जो नए लोग जुड़े हैं वो प्लीज हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए फॉलो करना बिल्कुल फ्री है बट इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। तो आप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो अष्टमी नवमी पर आप थोड़े अलग तरह के भंडारे वाले काले चने खाना पसंद करते हैं, भोग लगाते हैं, तो मेरी इस रेसिपी से दोस्तों आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्लीन एंड यमी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये जो हमने मसाले को पीसा था ना, इसको डाल के हमें इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है और घी के साथ ही हमें इसको पकाना है। बस थोड़ा सा हम इसको 1-2 मिनट भून लेंगे और फटाफट ये जो चने है ना, चना मसाला हमारा 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाता है उबले हुए चने तैयार हो। तो अभी सरिता जी जुड़ी हैं, रांची से वीडियो देख रही हैं, थैंक यू सरिता जी। पुषप आनंद जी जुड़ी हैं, वो कह रही है जय माता दी, फीलिंग हैप्पी टू सी योर रेसिपीज, थैंक यू पुषप जी। तो आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो देखिए बस हमें मसालों का कच्चापन दूर हो जाए इसलिए हमें इसको 1-2 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए भूनते हुए पका लेना है और साथ ही इसको चलाते रहे ताकि मसाले जो है ना वो जले ना। तो विनय जी जुड़े हैं पटना से, थैंक यू विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दाविंदर जी जुड़ी हैं, वो हेलो कह रही हैं, हेलो दाविंदर जी। हरिंदर जी गुड जॉब कह रहे हैं, थैंक यू हरिंदर जी। तो देखिए इस तरह से हमें चलाते हुए इसको थोड़ा सा भून लेना है और बस इसको मैंने भून लिया है 1-2 मिनट के लिए। काले चने को उबाल के रखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे ये काले चने उबले हुए हम इसमें डाल देंगे।
और कोई अलग से पानी नहीं डाला है मैंने दोस्तों। इसमें जो हमने चने को उबालने के लिए पानी डाला था ना, बस उतना ही पानी का हमने यूज किया है। और बस इसी में हम ये सेमी ड्राई वाले काले चने मसाले बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मसाले वाले काले चने भंडारे पे बनाए जाते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा यम्मी बनते हैं दोस्तों। और बस अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको पकने देना है अच्छे से। तो काले चने को उबालने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, करीबन आधी छोटी चम्मच जितना। अभी हम टेस्ट के हिसाब से इसमें और नमक ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सेना नमक का ही यूज करती हूँ डेली, तो मैंने सेना नमक ही डाला है। मोहनजीत कौर जी जुड़े हैं, गुड कह रहे हैं, थैंक यू मोहनजीत जी। आशु जी जुड़े हैं न्यू दिल्ली से, थैंक यू आशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लता जी कह रही है न्यू रेसिपी ऑफ काले चने, थैंक यू लता जी। तो आप मेरी इस रेसिपी से ना एक बार काले चने तो जरूर बनाना, सच में बेहद ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो दोस्तों इसको पकने देते हैं, बस लास्ट में ना हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, गरम मसाला डालेंगे और अदरक की लच्छी डालेंगे। और आप चाहें तो दोस्तों, मैंने ये ग्रेवी की रेसिपी बनाना बताया था, तो आप मेरी ये बिना लहसुन प्याज वाली ग्रेवी से भी, अगर भूख के लिए नहीं बनाते तो बिना इसके भी बना सकते हैं। मेरी ये ग्रेवी की रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट में दे दूंगी। और इस वाली ग्रेवी जो मैंने आपको दिखाई, इससे आप 50 से ज्यादा तरह की सब्जियां बना सकते हैं। तो आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, पर अगर आप सिंपल भूख के लिए बना रहे हो तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको बस हल्का सा गाढ़ा होने तक पका लूंगी, क्योंकि हमने चने को इसमें पीस के डाला है ना, काले चने को, तो बहुत जल्दी जो ग्रेवी है ना वो बढ़िया सी थिक हो जाती है और एकदम मजेदार बनते हैं काले चने। बिल्कुल देखने में लग नहीं रहा है कि हमने जो ग्रेवी का बेस है वो काले चने का पेस्ट बना के ही तैयार किया है। नीलम गुप्ता जी भी जुड़ी हैं, जय माता दी नीलम जी, दिल्ली से वीडियो देख रही हैं। अंजू चावला जी यमी कह रही हैं, थैंक यू अंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस देखिए मैंने इसको बस थोड़ा सा हमें चलाते हुए पका लेना है, और तब तक मैं आपको, मैंने पूरी भी साथ में तैयार की हुई है, तो तब तक मैं आपको पूरी भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरियां बेल के रखी हुई है, और ये जो पूरियां है ना, ये मैंने जो आटा लगाया था वो थोड़ी सी सूजी और आधा कप सूजी मान लीजिए, और दो छोटे आलू को, बॉइल्ड आलू को भूत के तैयार किया हुआ है। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, अजवाइन, जीरा और नमक डाल के इस तरह से गूंथ लिया था, और इसको मैंने बेल के तैयार कर लिया है। तो मैंने कुछ दिन पहले साबुदाने की पूड़ियां बनाना भी बताया था दोस्तों, तो आप वो साबुदाने की पूड़ियां भी देख सकते हैं। तो मैं इसको उबल के पकने देती हूँ, तब तक मैं आपको यहाँ पे दूसरी गैस पे मैंने तेल चढ़ा रखा है और मैं आपको पूड़ियां तल के दिखाती हूँ। तो तेल को ना खूब अच्छे से गर्म कर लेना है, तेल पूरी के लिए हमेशा उबलता हुआ बढ़िया सा गर्म होना चाहिए, तभी आप इसमें पूड़ियां डालें। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे कुछ सेकेंड का। मोनिका जी लुकिंग नाइस कह रही है, थैंक यू मोनिका जी। निधि जी जुड़ी हैं, बढ़िया कह रही हैं, अलवर राजस्थान से वीडियो देख रही हैं, थैंक यू निधि जी। विनय जी पटना से देख रहे हैं, थैंक यू विनय जी। तो पहले भी मैंने कुछ पूड़ियां यहाँ पे तल के रखी थी, तो तेल ऑलमोस्ट हमारा गर्म हो गया है, हम यहाँ पे पूड़ियां डाल देंगे। तो जैसे ये ऊपर आएगा तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे।
तो आप भोग के लिए अगर बना रहे हो ना तो सिंपल आटे की पूरियां जैसे आप जो मैंने इसमें मसाला वगैरह मिलाया है वो सब आप बिना डाले भी बना सकते हैं। तो तेल अभी खूब अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, और इधर चने देखिए, यहाँ पे चने जो है जल्दी से गाढ़ा होने लगा है। बस इसको ऐसे ही हमें पकने देना होता है, करीबन 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। अगर आप, मैं लाइव वीडियो बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा तेज आंच पे बना रही हूँ इसको, आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आराम से ढक के पका सकते हैं। तो देखिए फिर से मैं एक पूरी डालती हूँ, और अब जाके हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हुआ है। तो दोस्तों आप लोग अष्टमी नवमी पे क्या डिशेज तैयारी करते हैं और क्या बनाते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बना सकते हैं। कहीं जगह पे हलवा पूरी का भोग लगता है तो कहीं जगह पे खीर पूरी का भोग लगता है। नीता जी कह रही हैं ग्रेवी की रेसिपी मैंने नहीं देखी है, तो आप नीता जी जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं, पीछे जाके मैंने पूरा मेथड बताया हुआ है स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको रेडी करना है ग्रेवी। तो देखिए हमारी जो पूरी है यहाँ पे हमने तल के रेडी कर ली है। तो मैं आपको थाली लगा के दिखा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे पूरियां तल के दिखा रही हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सा आप मुझे 1-2 मिनट का पेशेंस रखिएगा, फिर मैं आपको काले चने दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब हम आपको काले चने जो है हमारे वो लगभग तैयार हो गए हैं, और इस तरह से मैंने यहाँ पे सेमी ड्राई ये काले चने बना के तैयार किया हुआ है। सरोज बजाजी जुड़ी हैं, जय माता दी कह रही हैं, हेलो सरोज जी कैसे हैं आप, जय माता दी। तो बस हमारे ये काले चने जो है ना दोस्तों, जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा ना वैसे वैसे ये ठंडा होगा, मतलब वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। अगर आप बिल्कुल ही एकदम सूखा बनाना चाहते हैं तो आप इसको और ज्यादा पका के इसको ड्राई कर लीजिएगा। अब बस इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे, इस तरह से देखिए मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, और थोड़ी से मैं यहाँ पे अदरक की लच्छी डाल रही हूँ जिससे जो टेस्ट है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे जरूर से छोले हो या फिर चने हो मैं अदरक की लच्छी जरूर डालती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारी बहुत ही जबरदस्त अष्टमी नवमी वाले काले चने बनके तैयार हैं, और जैसे ये थोड़ी ठंडी होती है ना और भी ज्यादा थिक हो जाती है, और कलर भी और ज्यादा, कलर टेक्सचर और ज्यादा निखर के आता है। अगर आपने इसमें इसको घी में नहीं बनाया तो आप इसमें थोड़ा सा घी का तड़का भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो बस हमारे ये काले चने तैयार है, मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले से भी पूड़ियां तल के रखी थी और मैंने अभी आपको तल के दिखाई है। इस तरह से आप अष्टमी नवमी के लिए, और मैंने ये कल दही का हलवा बनाना बताया था दोस्तों,
दही और सूजी का, तो वो भी आप अगर बनाना चाहे तो अष्टमी नवमी पे भोग के लिए बना सकते हैं। तो बस फटाफट से हम ये चने जो हमने तैयार किए हैं उसे हम सर्व कर लेते हैं। अगर आप भोग के लिए एकदम सूखे काले चने बनाते हैं तो मैंने उसकी रेसिपी भी बनाई थी दोस्तों, जो मैंने फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके बनाना सिखाया था, तो आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। सबके घरों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए हमारे ये काले चने तो तैयार है, आप भी इस रेसिपी को जरूर फॉलो करना और मेरी रेसिपी से दोस्तों जरूर बना के ट्राई करना एक बार। आप भोग के लिए नहीं भी बना रहे हो ना तो भी इस सिंपल और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी को बना के ट्राई करना। तो हमारी थाली तो यहाँ पे तैयार है, आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके जरूर बनाइए। और कैसी लगती है दोस्तों वीडियो हमें कमेंट कीजिएगा, आपके फीडबैक से भी हमें पता चलता है कि हमने कैसा काम किया है। तो जरूर बना के ट्राई करना दोस्तों आप सब मेरी रेसिपी को, काले चने की रेसिपी को जो विशेष मैंने अष्टमी नवमी के लिए बनाना बताया है। लीना जी वेरी नाइस रेसिपी कह रही हैं, थैंक यू लीना जी। निरुपमा जी सुपर कह रही हैं, थैंक यू। सरोज जी यमी कह रही है अष्टमी प्रसाद, थैंक यू सरोज जी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कल मिलते हैं आपसे फिर एक और नई लाइव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।